हेलो स्टूडेंट्स, मैं सेल्फ पूनम कुमावत और इस लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर, जो कि क्लास 11th के ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर है। तो इसके अंदर सबसे पहले देखेंगे कि न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं और किस तरीके से जो फूड हम इनटेक करते हैं उनको डाइजेशन किया जाएगा। लेकिन उससे पहले हमें ये देखना होगा कि जो ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारे बॉडी में जितने भी डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन्स होते हैं, इन ऑर्गन्स के अंदर एनर्जी जनरेट करने का काम करते हैं। क्योंकि हमारे बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं या एनिमल की बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं वो बेसिकली सेल्स के बने हुए हैं, और सेल्स जो होती हैं वो जो न्यूट्रिशन हम लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स हम लेते हैं, उनको ब्रेक करती है और उनसे एनर्जी जनरेट करती है, और उसी एनर्जी का यूटिलाइज हम डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस करने में करते हैं। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन बेसिकली एक ऐसी प्रोसेस है, द प्रोसेस बाय विच एन एनिमल और प्लांट्स takes in and utilize food substances। अगर हम इन food substances की बात करें तो basically हम यहाँ पर discussion कर रहे हैं nutrients के बारे में। ठीक है, तो यानी कि nutrition तो एक ऐसी process है, चाहे वो प्लांट परफॉर्म करे चाहे एनिमल परफॉर्म करे, जो भी वो अपने अंदर लेता है और उसके बाद जो यूटिलाइज करता है फूड सब्सटेंसेस, बेसिकली हम न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो उस पूरी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, तो अब जो ये न्यूट्रिशन से मिले हुए न्यूट्रिएंट्स हैं, इन न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात करें तो न्यूट्रिएंट्स जो है वो ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। ठीक है, नेचर में। तो अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं। तो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में हम बेसिकली कार्बोहाइड्रेट, फैट यानी कि जिसको आप लिपिड बोलते हो, और प्रोटीन, बेसिकली ये हमारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सारे के सारे कौन से हैं? ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं। वहीं अगर हम इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में हम मिनरल एंड वाटर को रखते हैं। इसके अलावा इन ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन के अंदर विटामिन्स भी हम इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन और विटामिन, ये जो है वो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं, और इनऑर्गेनिक में हम बेसिकली मिनरल एंड वाटर को रखते हैं। अगर हम इनको न्यूट्रिएंट्स को मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट के अंदर क्लासिफाई करें तो बेसिकली हमारे पास कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, ये तीनों जो हैं वो हमारे लिए एज अ मैक्रो न्यूट्रिएंट कहलाते हैं। ठीक है, और जबकि हमारे लिए जो विटामिन है, मिनरल्स एंड वाटर है, ये हमारे लिए एज ए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से भी आ जाता है कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को डिफरेंशिएट करें। तो हम बेसिकली सबसे पहले बात करेंगे अबाउट दी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं? इनको हम प्रॉक्सीमेट प्रिंसिपल ऑफ फूड बोलते हैं, क्योंकि बिकॉज इनको जब यूटिलाइज किया जाता है, या फिर यूँ बात करें कि ये जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट यानी कि लिपिड, प्रोटीन, ये एनर्जी सोर्स होते हैं, और ये हमारे बॉडी के अंदर या एनिमल की बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ हीट का प्रोडक्शन करते हैं, और उस हीट का यूज़ किया जाता है डिफरेंट टाइप ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन या ऑर्गेनिक फंक्शंस जो कि एनिमल परफॉर्म करता है। तो हम इनको क्यों बोलते हैं प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल? बिकॉज दीज
कॉन्स्टिट्यूट द एनर्जी सोर्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हीट एंड डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक फंक्शंस। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की, तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को हम प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल बोला जाता है। ठीक है, प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ फूड, क्योंकि बिकॉज ऑल्दो ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते, डू नॉट प्रोवाइड एनर्जी, बिल्कुल सही है कि एनर्जी के लिए तो प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट और लिपिड ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बट येट देयर अगर इनकी डेफिशिएंसी होगी, बॉडी में कमी हो गई, आर रिलेटेड टू स्पेसिफिक डिजीज। या फिर कोई अबनॉर्मलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, एनिमल के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से ये मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा हम इस चैप्टर के एंड में सारे विटामिन्स की लिस्ट भी देखेंगे। मिनरल्स की अगर हम बात करें यहाँ पे स्पेसिफिक, तो आप देखोगे कि हमारे बॉडी के अंदर मैक्रो एलिमेंट्स और माइक्रो एलिमेंट्स भी रहते हैं। ठीक है, मिनरल्स तो बेसिकली अगर लगभग 21 मिनरल्स होते हैं जो कि मैक्रो एलिमेंट्स कहलाते हैं, तो हम इनके दो टाइप के लेते हैं। एक तो है हमारे पास मैक्रो एलिमेंट्स, ठीक है, और एक होगा हमारे पास माइक्रो एलिमेंट। ठीक है, अगर हम मैक्रो एलिमेंट की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 21 न्यू मिनरल्स होते हैं। अगर इनमें एग्जांपल की बात करें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि सोडियम हुआ, पोटेशियम, कैल्शियम, सल्फर, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम एंड क्लोरीन, ये जो न्यूट्रिएंट्स है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स ह्यूमन न्यूट्रिशन बोला जाता है इनको, यानी कि इनको हम क्या बोलते हैं, एसेंशियल फॉर ह्यूमन न्यूट्रिशन। ठीक है, और ये बहुत ही लार्ज अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं, दे आर रिक्वायर्ड इन लार्जर अमाउंट। ठीक है, वहीं अगर हम दूसरे माइक्रो एलिमेंट की बात करें, ठीक है, तो माइक्रो एलिमेंट्स में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से होते हैं माइक्रो, या इनको हम ट्रेस एलिमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, और ये जो है एग्जांपल की फॉर्म में हम कंसीडर करें तो एफी, आयरन, आयोडीन जो हम लोग कंसीडर करते हैं, जेडन, मैग्नीज, कोबाल्ट, कॉपर और मोलिब्डेनम एक्सेट्रा, ये जो एलिमेंट्स होते हैं वो बेसिकली हमारे लिए ट्रेस एलिमेंट होते हैं, और ये एलिमेंट बहुत ही स्मॉल अमाउंट में चाहिए होते हैं, लेकिन ये भी अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो बेसिकली ये न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, चाहे विटामिन हो, चाहे मिनरल हो, चाहे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हो, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, ये सारे के सारे बड़े ही इम्पॉर्टेंट हैं, और ये सारे हमें मिलते हैं फूड से।
ठीक है, जो भी अगर हम एनिमल की रिस्पेक्ट में बात करें स्पेसिफिक, तो एनिमल जो भी खाता है उसके अंदर बेसिकली ये सारी चीजें प्रेजेंट होती है। तो फूड को खाना, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ फूड, या आप यूं बोल सकते हो कि ईटिंग अ हेल्दी एंड बैलेंस्ड डाइट, दिस इज अ न्यूट्रिशन, ठीक है। और उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स हमें ऑब्टेन होते हैं, जो हमने खाया है उससे न्यूट्रिएंट्स को बाहर निकालना, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेसर होती है जिसको हम बोलते हैं डाइजेशन, ठीक है। तो इन सारे न्यूट्रिएंट्स को खाने से बाहर निकालें, क्योंकि जब हम इनटेक करते हैं फूड को तो वो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड फूड होता है, क्योंकि वो मिक्सचर है मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्लस मैक्रो एलिमेंट माइक्रो एलिमेंट और डिफरेंट टाइप ऑफ विटामिंस। जो भी हम खाना खाते हैं उसमें स्पेसिफिक कार्बोहाइड्रेट तो नहीं होगा ना, उसमें कार्बोहाइड्रेट भी होगा, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन, सब कुछ होगा जो भी हम फूड लेते हैं। अब उस फूड को हमें क्या करना होगा, डाइजेशन करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे सामने इन सारे न्यूट्रिएंट्स को निकालने के लिए एक वर्ड आता है डाइजेशन। तो हमें पहले देखना होगा कि व्हाट इज अ डाइजेशन, ठीक है, डाइजेशन क्या होता है। फिर हम देखेंगे कि इस डाइजेशन को कंप्लीट करने के लिए ह्यूमन की बॉडी में एक सिस्टम होता है जिसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम वर्ड यूज करते हैं। तो बेसिकली हमने देखा कि जो फूड हमने खाया वो था न्यूट्रिशन, और उस फूड के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स थे। उन न्यूट्रिएंट्स को तोड़ना या फिर फूड से उन न्यूट्रिशन को निकालना हमारे लिए वो प्रोसेसर क्या कहलाती है, डाइजेशन इन शॉर्ट। बट इसको एक प्रॉपर डेफिनेशन कुछ इस तरीके से हम लोग प्रोवाइड करेंगे। द प्रोसेस कन्वर्जन ऑफ complex in diffusible food material into simple and diffusible food by mechanical एंड बायोकेमिकल प्रोसेस, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे मैकेनिकल फोर्स भी लगेगा एंड बायोकेमिकल। प्रोसेस इज टर्म्ड एज डाइजेशन, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर हम इन शॉर्ट इसको एज अ सिंप्लीफाई करें एज अ रिएक्शन के फॉर्म में, तो हमने जो फूड लिया है यानी कि जो बैलेंस डाइट ली है, जो भी हमने खाया है, वो क्या है, एक कॉम्प्लेक्स है इन डिफ्यूजिबल फूड है। इसके ऊपर हम मैकेनिकल भी और बायोकेमिकल दोनों तरह की प्रोसेस अप्लाई करेंगे। मैकेनिकल मतलब टीथ से जो हम क्रश करते हैं, ठीक है, तो दैट इज़ ए मैकेनिकल, ठीक है। और बायोकेमिकल का मतलब यहाँ पे है कि जो डाइजेस्टिव एंजाइम रिएक्ट करेंगे और क्या परफॉर्म करेंगे, हाइड्रोलाइसिस विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। डाइजेस्टिव एंजाइम क्या करेंगे, वाटर की प्रेजेंस में इस कॉम्प्लिकेटेड फूड को ब्रेक करेंगे, दैट इज अ फिनोमिना इज हाइड्रोलाइसिस, जिससे कि वो फूड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो सिंपल हो जाएगा और डिफ्यूजिबल हो जाएगा, और उसको हमारी बॉडी इजीली एब्जॉर्ब करके और हमारी बॉडी की हर एक सेल तक उसे पहुंचाने का काम करेगी, ताकि सेल उस डिफ्यूजिबल फूड पार्टिकल लाइक ग्लूकोज हो गया तो उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तोड़ेगी, और तोड़कर उसे हमारी एनर्जी जनरेट करवाएगी, और उस एनर्जी का हम डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस में यूज़ करेंगे। तो इन शॉर्ट अगर हम बात करें, हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं कि सपोज देन हमने न्यूट्रिशन लिया, न्यूट्रिशन का मतलब है कि फूड लिया, ठीक है, इस फूड के ऊपर डाइजेस्टिव एंजाइम्स ने एक्ट किया जिससे क्या मिले हमें, न्यूट्रिएंट्स मिले। इन न्यूट्रिएंट्स को ब्लड की थ्रू कहाँ पहुंचाया जाएगा, सेल, सेल
के अंदर इन न्यूट्रिएंट्स लाइक ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या किया जाएगा, ब्रेक किया जाएगा, जिससे कि CO2 निकलेगी, ये तो बॉडी से बाहर चली जाएगी, और प्लस यहाँ से क्या जनरेट होगी, एनर्जी जनरेट होगी, और इस एनर्जी का हम यूटिलाइज करेंगे हमारी बॉडी की वेरियस फंक्शंस के अंदर। ठीक है, तो सीधी सी बात ये है कि हमें इस चैप्टर के अंदर बेसिकली जो फूड है इसको डाइजेस्ट करवाना है, इसको तोड़ना है और बॉडी इसको एब्जॉर्ब करेगी। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी फिनोमिना हम यहाँ पे देखेंगे। तो ये था डाइजेशन। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि टाइप्स ऑफ डाइजेशन, यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन रहते हैं एनिमल्स के अंदर, और फिर हम देखेंगे कि कितने टाइप के डाइजेशन जो है यहाँ पे परफॉर्म किए जाते हैं। पहले हम यहाँ पे डाइजेशन की डेफिनेशन कर ली, तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं टाइप्स ऑफ डाइजेशन, क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अलग अलग तरीके से डाइजेशन परफॉर्म करवाया जाता है, मैकेनिकल और बायोकेमिकल मेथड है। डाइजेशन बेसिकली दो टाइप का होता है, डाइजेशन जो है दो टाइप की हमें देखने को मिलता है। एक तो हमारे पास रहता है इंट्रा सेलुलर डाइजेशन, ठीक है, और एक हमारे पास रहता है एक्स्ट्रा सेलुलर। अगर हम पहले डिस्कशन करें इंट्रा सेलुलर डाइजेशन के, तो इंट्रा सेलुलर डाइजेशन का मतलब होता है डाइजेशन की जो प्रोसेसर है विद इन अ सेल होगी, विद इन सेल्स, ठीक है, एक सेल के अंदर ही पूरा का पूरा डाइजेशन की फिनोमिना कंप्लीट हो रही है, दैट इज अ कोल्ड इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। जो कि एग्जांपल की बात करें अमीबा में हम लोग बहुत क्लियरली देखते हैं, इसके अलावा जो सिंगल सेल एनिमल्स हैं उनके अंदर इंट्रा सेलुलर डाइजेशन हमें अप्रॉक्सीमेटली देखने को मिला है। विद डायग्राम देखें तो कुछ इस तरीके से होगा। तो इसमें आप देख सकते हो कि ये एक सेल है और ये सेल की सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म हमें दिख रहा है, गोल्गी एपरेटस भी दिख रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दिख रहा है, और लाइसोसोम जिसको हम सुसाइडल बैग ऑफ द सेल बोलते हैं, जिसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम या डाइजेस्टिव एंजाइम, यानी कि जो ये लाइसोसोम है ये क्या कंटेन करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स इसके पास होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भी बोल सकते हो या फिर एसिडिक एंजाइम भी बोल सकते हो। अब क्या होता है कि इस सेल के अंदर ये फूड पार्टिकल्स है ये अंदर जाते हैं, इस फिनोमिना को हम एंडोसाइटोसिस के नाम से जानते हैं, इनटेक ऑफ फूड, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे एक एंडोसाइटोसिस की फिनोमिना, फिर इस फूड पार्टिकल्स को एक वैक्यूल के थ्रू कवर कर लिया जाता है जिसको फूड वैक्यूल नाम दिया जाता है, फिर ये जो फूड वैक्यूल है वो यहाँ पे देखो इस लाइसोसोम के साथ, यानी कि ये जो फूड वैक्यूल और लाइसोसोम जो होता है वो यहाँ पे फ्यूज होता है, तो ये लाइसोसोम और फूड वैक्यूल जब एक दूसरे से फ्यूज हुए तो इस लाइसोसोम के जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स थे उन्होंने फूड पार्टिकल्स पे अटैक किया, जिससे कि वो फूड पार्टिकल्स का क्या हो गया, डाइजेशन हो गया, तो ऐसे को हम डाइजेस्टिव वैक्यूल बोलते हैं। यहाँ पे क्या चल रहा है, बेसिकली डाइजेशन चल रहा है किसका, जो फूड इनटेक किया गया है सेल के थ्रू। उसके बाद में जो न्यूट्रिएंट्स है या डिफ्यूजेबल पार्ट है वो तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म में मूव कर जाएंगे, और जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है, यानी कि ये हम बोल सकते हैं अनडाइजेस्टेड फूड है, उसको फिर क्या किया दिया जाता है, एक्सोसाइटोसिस, यानी कि सेल से एलिमिनेट कर दिया जाता है, दिस इज फिनोमेना ऑफ एक्सोसाइटोसिस। तो इस तरीके से इस सेल के अंदर जो डाइजेशन होता है उसको इंट्रासेलुलर डाइजेशन बोला जाता है। उसके बाद सेकंड जो हमारे पास डाइजेशन आता है वो होता है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, ठीक है। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो डाइजेशन होता है आउटसाइड द सेल होता है, यानी कि आप यहाँ देखेंगे डाइजेशन जो होगा वो आउटसाइड द सेल होगा, ठीक है। एग्जांपल की बात करें जैसे कि फ्रॉग हुआ, रैबिट हुआ, इनफैक्ट ह्यूमन, ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल हमारे पास क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन के हैं, ठीक है। अब ह्यूमन के अंदर डाइजेशन करने के लिए एक स्पेसिफिक सिस्टम होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है,
ठीक है, जो कि इस पूरे फिनोमिना को कंप्लीट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसी के साथ ये जो न्यूट्रिशन का मोड रहता है ह्यूमन के अंदर, यानी कि हर एक एनिमल में न्यूट्रिशन के लिए जो मोड है वो अलग अलग रहते हैं। तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक पॉइंट मैं बताती हूँ, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, ठीक है। न्यूट्रिशन को लेने के तरीके सबके एनिमल्स के अलग अलग होते हैं। यहाँ पे जो ह्यूमन के अंदर देखने को मिलता है वो होता है होलोजोइक, ठीक है। होलोजोइक मेथड है हमारा फूड को अंदर लेने के लिए, यानी कि व्हेन होल प्लांट या होल एनिमल या दोनों में से कोई भी सॉलिड या लिक्विड फॉर्म जो है इनटेक की जाती है थ्रू माउथ। मोस्ट ऑफ एनिमल्स इसके अंदर, मोस्ट ऑफ एनिमल जो है वो होलोजोइक न्यूट्रिशन शो करते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या किया जाता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन बेसिकली हम मान के चलते हैं 5 स्टेप्स में कंप्लीट होता है, ठीक है। पहला स्टेप हम देखते हैं इंजेशन, खाने को इनटेक किया जाता है किसके थ्रू, माउथ के थ्रू, ठीक है। उसके बाद में उस खाने का क्या किया जाएगा, डाइजेशन किया जाएगा। उसके बाद में खाना अंदर चला गया है, उसके बाद में उसका डाइजेशन होगा और डाइजेस्टेड पार्टिकल्स को क्या किया जाएगा, एब्जॉर्प्शन किया जाएगा। और उसके बाद में एब्जॉर्ब फूड पार्टिकल को ब्लड के थ्रू असिमिलेट किया जाएगा, असिमिलेशन, यानी कि डिफरेंट बॉडी पार्ट तक पहुंचाया जाएगा। और फिफ्थ पार्ट होता है इजेशन। तो यहाँ पे बच्चों के थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, इजेशन को वो एक्सक्रीशन मान लेते हैं, बेसिकली एक्सक्रीशन अलग पार्ट होता है, इजेशन होता है कि जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है, अनडाइजेस्टेड फूड को रिमूव करना फ्रॉम द बॉडी थ्रू एनस, तो वो फिनोमिना क्या कहलाता है, इजेशन। और फिर एक्सक्रीशन क्या होता है, एक्सक्रीशन एक ऐसे फिनोमेना है जिसमें हमारी बॉडी की मेटाबॉलिक रिएक्शंस के दौरान जो नाइट्रोजन वेस्ट बनते हैं, नाइट्रोजन वेस्ट को रिमूव करना थ्रू यूरिन, ठीक है, तो वो हमारा एक्सक्रीशन कहलाता है, जो हम एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ते हैं, ये हमारा पार्ट नहीं है। तो बेसिकली होलोजोइक न्यूट्रिशन, जो कि इनफैक्ट ह्यूमन के अंदर अगर हम डिस्कशन करेंगे तो ह्यूमन में भी कौन सा मोड रहता है न्यूट्रिशन का, होलोजोइक न्यूट्रिशन रहता है, जिसके अंदर हम खाने को इनटेक करेंगे थ्रू माउथ, फिर डाइजेशन करेंगे विद द हेल्प डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन एंड डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम, फिर वलाई के थ्रू एब्जॉर्ब किया जाएगा, ब्लड के थ्रू असिमिलेट किया जाएगा और एनस के थ्रू इजेशन किया जाएगा। होलोजोइक न्यूट्रिशन जो है वो बेसिकली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी शो करता है और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी शो करता है। यूनिसेलुलर में अमीबा और मल्टीसेलुलर में ह्यूमन रहता है। इसके अलावा और भी मोड है हमारे पास, जैसे कि एक हमारे पास मोड है सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन। सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है बच्चों, यहाँ पे आप देखोगे कि जब डेड एंड डिके ऑर्गेनिक मैटर से खाने को यूज किया जाता है, तो हम इसको किस तरीके से डिफाइन करेंगे, व्हेन डिकिंग ऑर्गेनिक मटेरियल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल ओरिजिन आर कंज्यूम्ड। इसके अंदर क्या किया जाएगा, पहले डाइजेस्टिव एंजाइम को बाहर निकाला जाएगा डेड एंड डिके मैटर पे, द डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर सिक्रेटेड डायरेक्टली ऑन टू द फूड एंड उसके बाद देयर फॉर द फूड इज डाइजेस्टेड आउटसाइड द बॉडी, ठीक है, और फिर उसे इनटेक करते हैं। तो एग्जांपल में देखिए तो बेसिकली फंजाई में, ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे बैक्टीरिया हुए और बहुत सारे प्रोटोजोन्स हुए,
इस तरीके का न्यूट्रिशन शो करते हैं। थर्ड टाइप ऑफ न्यूट्रिशन की हम बात करें तो हमारे पास जो थर्ड टाइप न्यूट्रिशन रहता है वो है पैरासाइटिक मोड। पैरासाइटिक तो इसके अंदर क्या होता है, पैरासाइटिक मोड के अंदर जब लिविंग ऑर्गेनिज्म फीड करता है अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म पे और उसको नुकसान पहुंचाता है तो इस मोड को हम क्या बोलते हैं, पैरासाइटिक। जब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म फीड्स ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड कॉज हार्म टू इट, तो इसको हम क्या बोलते हैं, जिसमें टैपवर्म, ठीक है, मलेरिया पैरासाइट, एक्सेट्रा एग्जाम्पल है। नेक्स्ट मोड हम देखें न्यूट्रिशन का, वो होता है होलोफाइटिक, जिसको आप ऑटोट्रॉफिक भी बोल सकते हैं। और होलोफाइटिक में बेसिकली प्लांट लाइक न्यूट्रिशन हमें देखने को मिलता है, प्लांट लाइक न्यूट्रिशन, जैसे कि एग्जाम्पल में बात करें यूग्लिना, ठीक है, फोटोसिंथेटिक नेचर होगा। इंसेक्टिवोरस, नाम से पता होगा कि इंसेक्टिवोरस वर्ड आ रहा है, तो ये जो होते हैं वो किसके ऊपर फीड करेंगे, फीड अपॉन इंसेक्ट, फीड अपॉन इंसेक्ट्स, ठीक है, जैसे कि फ्रॉग हो गया एग्जांपल में, फ्रॉग या लिजर्ड आप ले सकते हो, ठीक है। इसके अलावा न्यूट्रिशन का मोड हमारे पास लार्वीवोरस भी रहता है, ये भी आपको क्लियर है कि लार्वीवोरस का मतलब फीड ऑन लार्वा, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि फीड करते हैं ऑन लार्वा। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें यहाँ पे तो फिशेस जो हैं वो लार्वा खाती हैं, इनफैक्ट ड्रैगन फिश की, ड्रैगन फ्लाई की बात करें वो भी लार्वा को ही लेते हैं। इस तरीके से एक्सेट्रा और टाइप और भी डिफरेंट टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमें देखने को मिलते हैं। अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें तो हमारे बॉडी में होलोजोइक न्यूट्रिशन रहता है, तो होलोजोइक न्यूट्रिशन में हम इंजेशन करते हैं माउथ के थ्रू, और डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन, इजेशन, ये 5 स्टेप होते हैं जिनके अंदर हम कंप्लीट करते हैं। सो इस क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है और वो किस तरीके से उसकी जो स्ट्रक्चर है वो प्रेजेंट होती है। सो नेक्स्ट टाइम फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप स्टडिंग, थैंक यू।